मटा से 35 किलोमीटर के फासले पर फजल बांडा है और फजल बांडा से होते हुए हम यकबेला पहुंच चुके हैं। यहीं पे हमारी गाड़ी पार्क होगी क्योंकि आगे सारा ऑफ रोड है। ये खूबसूरत जगह है, यहाँ पे चश्मे हैं, आबशारे भी आगे है, जारुगे आबशार, हमने वहाँ पे जाना है। गाइज मेरे साथ है, तो गाइज आप लोग तैयार हो? तकरीबन 35 मिनट की ट्रैक है, लेट्स मूव। मिनट वॉकिंग ट्रैक के बाद हम खूबसूरत वाटरफॉल पर पहुंच चुके हैं। मेरे बैग पे आपको जारुगे वाटरफॉल नजर आ रहा है, साफ शफाफ पानी, खूबसूरत माहौल, आपको मजा आएगा देखने के बाद। मैंने तो बहुत इंजॉय किया है, यहाँ पे पहुंच के सारी थकान खत्म हो गई। मुदस्सिर आपका बहुत शुक्रिया जो आप इतने खूबसूरत वाटरफॉल पर हमें लेकर आए हैं। इससे पहले भी आप आ चुके हैं, यहाँ के बारे में जो कुछ जाते हैं वो बता दीजिए हमें। जी बिल्कुल सर, मैं इससे पहले भी दोस्तों के साथ आया हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं जारुगे वाटरफॉल, बहुत ही हसीन नजारा है। तो जारुगे वाटरफॉल में मजा है? बहुत मजा आया, बहुत प्यारी जगह थी, हमने तो बहुत एंजॉय किया वहाँ। वेरी गुड, तो फिर क्या ख्याल है और कहाँ जाना है आप लोगों ने? सर मालम जब्बा के बारे में सुना है, वहाँ ना जाए? फलाने तो डिमांड कर दिया भाई, मालम जब्बा जाना चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों को लेके चलता हूँ। शांगला टॉप से जाएंगे, ये एक नई जगह है, इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, तो फिर चले।
शंगला टॉप से होते हुए हम मालमजबा पहुंच चुके हैं और आपको मैं ये बताता चलूं कि सवात से मालमजबा का डेस्टिनेशन 42 किलोमीटर है। मालमजबा में क्या कुछ नहीं है ये मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पे चेयर लिफ्ट है, रिजॉर्ट है, जिप लाइन है, खूबसूरत होटल है और आप लोग एंजॉय करें, खाएं, पिए, दोस्तों के साथ आए। तो आप जब भी आए अपने साथ स्वेटर जैकेट वगैरह ज़रूर लाए क्योंकि हो सके थोड़ी देर तक बारिश भी शुरू हो जाए। तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं और आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। लोगों ने समर में हमारे साथ मालमजबा एंजॉय किया होगा लेकिन सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, मैं आपको दिखा दूं कि मालमजबा विंटर में कैसे होता है और हमारा जुनून है जबा। Guys, लगता है आप लोग बड़े फ्रेश हो हैं। तो फिर क्या ख्याल है हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? गबिनजबा को डिस्कवर करने चले सर, बहुत ही लश ग्रीन और खूबसूरत जगह है। हाँ मैंने भी बहुत कुछ सुन रखा है। तो गाइस आप लोग तैयार हो? यस सर। सो लेट्स गो, कम ऑन। खुद से ये सारे नजारे मुंतजिर है तुम्हारे, छूना चाहे जो चांद सितारे आओ साथ हमारे। जुनून है जवां, जुनून है जवां, जुनून है जवां, जुनून beautiful valley. Dear viewers, 59 किलोमीटर सवात से होते हुए हम बिलाखिर गबिनजबा पहुंच चुके हैं। खूबसूरत लश ग्रीन वैली, इसलिए सवात को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है।
आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें और हम भी एंजॉय करें। लेट्स मूव गाइस। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि गबीन जबा सी लेवल से 11,500 फुट की बुलंदी पर वाकई खूबसूरत वैली है। यहाँ पर आप पिकनिक करने के लिए आ सकते हैं, कैंपिंग हट्स भी लगा सकते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं और रात को बोन फायर भी कर सकते हैं। तो आप अपने फैमिलीज के साथ आए और इंजॉय करें गबीन जबा को। बहुत ही खूबसूरत जगह है तला, लेकिन काश यहाँ पर कोई गंद ना फैलाए, क्योंकि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान ही हमारा फ्यूचर है। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। मदीन का शुमार सवात की खूबसूरत तरीन वादियों में से होता है। मिंगवरा से 52 किलोमीटर के फासले पे वाक़ खूबसूरत मदीन, यहाँ पे जंगलात, सरसब्ज खेत और इसके अलावा फलों के बहुत से बागात पाए जाते हैं। मदीन में गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत सारे फिशी फार्म है और उसकी अफजाइशी नस्ल के लिए साफ शफाफ पानी दरकार होता है। यहाँ पे प्राइवेट फिशी फार्म भी है, वो लोग भी यहाँ से मछलियाँ लेते हैं, उनकी अफजाइशी नस्ल करते हैं। तकरीबन 2 साल में इस ट्राउट मछली की अफजाइशी नस्ल होती है और उसके बाद ये खाने के काबिल हो जाती है। छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं टूरिस्ट के लिए। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है भाई, आप लोगों का क्या हाल है? हमारा तो फिर क्या ख्याल है, आगे से गरम गरम कबाब न खाएं? बस डन, थ्री डन हो गया, चले जी। थैंक यू जी, गरम गरम कबाब आ गए, आपका बहुत शुक्रिया।
सवात हर हवाले से तुम है ही मशहूर, लेकिन वुड कार्विंग के हवाले से सवात की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के कारीगरों के हाथों के बनाए हुए फर्नीचर के नक्श पूरी दुनिया में मशहूर है। कदीम दौर से लेके आज तक लकड़ी से बनाए हुए नक्श के बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। यहाँ की लकड़ियाँ इमारतों में भी इस्तेमाल होती है और इसके अलावा फर्नीचर का काम भी उससे लिया जाता है। वादी सवाद की वैली हो और मदयन और उसमें मौसीकी न हो, ये कैसे हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ इनाम साहब भी तशरीफ़ फरमा है, इनका बहुत शुक्रिया, इंतहाई मेहमान नवाज और पुरखलूस दोस्त हैं। इन्होंने हमारे लिए इस मौसीकी का अहतमाम किया है और इस वक्त हमारे साथ शाहकरम और कामरान हैं, तो इनसे खूबसूरत धुन सुन लेते हैं।